हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये काजू कतली लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए मुंह मीठा कराने के लिए, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और हम लोगों के घर में कभी कोई त्योहार आएगा तो आप घर पर ट्राई करें एक बार और मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है काजू कतली हमारी, देखिए कितनी अच्छी है और देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ अभी। तो देखिए काजू की बर्फी बनाने के लिए हमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो काजू, चीनी और देसी घी। तो मैंने लिए हैं ये करीब 250 ग्राम काजू हैं ये, और ये मैंने लिए 200 ग्राम चीनी, मतलब जितने काजू हैं उससे थोड़ी चीनी कम लीजिए, और अगर मीठा कम पसंद करते हो तो और कम कर दीजिएगा। और घी है तो घी मैंने आधा कप लिया है, और ज़रूरत के हिसाब से ही मैं ऐड करूँगी, जो बचेगा वो बच जाएगा और जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना घी हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगी ये बर्फी। तो काजू की बर्फी के लिए हमें सबसे पहले हम चाशनी रख देंगे बनने के लिए। तो जो चीनी मैंने ली थी वो मैंने इसमें एक कढ़ाई में ले ली है, और इसमें मैं बस इतना पानी डालूंगी कि ये चीनी घुल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो बहुत देर लग जाएगी चाशनी बनने में। तो बस देखिए मैंने इतना ही पानी डाला है इसमें, जितना चीनी है उससे कम पानी है ये, और चीनी घुल जाएगी। और अब इसमें हमें लेनी है एक तार की चाशनी, और जब तक ये चाशनी तैयार होती है तब तक मैं चल के इन काजुओं को पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। इनको हमें पीस लेना है, और पीसने के बाद मैं आपसे मिलूंगी, तब तक चाशनी भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये काजू का पाउडर तैयार हो गया है बहुत अच्छी तरह, और चाशनी मेरी बन रही है। चाशनी शायद तैयार हो गई है। ये देखिए ये चाशनी अब तैयार है बिल्कुल। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसे। ये देखिए एक तार आ गया है ना इसमें, दिख रहा है ना, बस हमें एक तार ही लेना है इसमें, अभी बिल्कुल रेडी है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें पहले तो मैं ये इलायची पाउडर है थोड़ा सा ये इसमें ऐड कर दूँगी, और गैस कर दूँगी ऑफ। और अब ये जो हमने काजू पीस के रखे थे इनको हम इसमें ऐड करेंगे और धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे, पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे ये। इन्हें हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये ना डो की शेप में आ जाएगा। ऐसे चलाती रहूंगी मैं इसे, और थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करूंगी मैं इसमें भी। अब इसमें करूंगी मैं करीब एक चम्मच के करीब देसी घी, और इसको भी मिक्स कर देंगे, और अब इसको चलाएंगे हम थोड़ी देर ऐसे ही गरम कढ़ाई में, इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे, ये ऐसे चलाते चलाते गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ना, बस ऐसे ही ये गाढ़ा होता चला जाएगा, एक डो की शेप में आ जाएगा ये। थोड़ी देर और चलाना है मुझे इसको, करने में हमें करीब करीब 10 मिनट लगते हैं। देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल डो की शेप में आ गया है ये देखिए आ गया है ना। तो चलिए अब मैं इसकी कतली बना के दिखाती हूँ आपको। तो काजू कतली बनाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक लिए, एक साफ प्लास्टिक है, और इस पर मैंने हल्का सा ऑयल घी लगा दिया है देसी घी। और अब मैं इस पर जो मैंने ये तैयार करा था डो, इसको हम ले लेते हैं।
इसे अब हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। इस पे मैंने घी लगा रखा है पन्नी पे, और पहले मैं थोड़ा सा ऐसी फैला लूंगी इसे। ऐसे करके हम इसे पतला पतला बेल लेंगे, जैसे काजू की बर्फी होती है ना मार्केट से आती है, पतली पतली होती है दीदी ने। और इसी प्लास्टिक पे मैं इसे बेल दूंगी अच्छी तरीके से मिक्सार करके। और अब इस पे हम लगाएंगे चांदी के बर्फ, अगर आपके पास हो तो आप लगा दीजिए, अच्छे लगते हैं काजू की बर्फी पे लगे हुए, इस तरीके से चिपक जाएंगे। ये गरम गरम पे ही लगानी है, फिर ये चिपकते नहीं है फिर, तो इसलिए ना एकदम से ही लगा देंगे हम। जैसे ही बनाएंगे ना इसको, इस तरीके से लेंगे और इसे हम यहाँ से ऐसे हाथ से दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो अब इसे आइए कट कर लेते हैं, और डायमंड शेप में कटेंगे ये पीसेस। तो पहले मैं एक साइड से सीधे सीधे कर लूंगी, फिर दूसरी साइड से इन्हें हम डायमंड की शेप दे देंगे। डायमंड की शेप बस इसी तरीके से काट लेने हैं। और देखिए कितनी आराम से कितनी जल्दी बन गई है ये बर्फी। इसको बनाने में मुझे आधा घंटा लगा होगा टोटल, और बहुत जल्दी, और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ काजू घी और क्या डाला था मैंने, मैं खुद भूल गई, स्टोर कर लूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप जरूर बनाइएगा, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे भी त्योहारों के दिन आ रहे हैं, तो इस समय तो जो जो मिठाइयां आप घर में बना सकते हो जरूर बनाएं, और मेरे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस।